सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शुक्रवार सुबह कंपनी बाग पहुंचे और आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे योग शिविर भी आए। दोनों जगहों पर आमजन से मंत्री ने मुलाकात की। लोगों ने मंत्री के सामने कई समस्या व जरूरी काम कराने की मांग रखी। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री बनने के बाद तीसरी बार अलवर आए हैं। कंपनी बाग में घूमते समय केंद्रीय मंत्री से कुछ युवा मिले, जिन्होंने अलवर में सिंथेटिक ट्रक बनवाने की मांग की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनको पहले से ध्यान है, युवाओं की मांग पूरी कराने के प्रयास जारी हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि यहां सुलभ शौचालय बंद है। इसके अलावा कंपनी बाग में जुम्बो करने की जगह तय कराने की मांग रखी। कई लोगों ने पानी की समस्या से अवगत कराया। केंद्रीय मंत्री ने कंपनी बाग में पौधा भी लगाया। उनके साथ बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाई मैं तो जब चुनाव लड़ रहा था तभी मैंने ये कहा था कि अलवर के साथ मेरा अब एक गहरा रिश्ता है, तो लगातार अब मैंने कहा था कि अलवर मेरा निवास रहेगा और लोगों से मिलने की सहज उपलब्धता रहेगी, तो स्वाभाविक रूप से जब भी समय मिलेगा अलवर आऊंगा और अलवर के साथ रहूंगा। आज एनवायरमेंट और जल पानी और विभिन्न मुद्दों को लेकर आपने सेंट्रल की टीम भी भेजी है, मैं मीटिंग ले रहे हैं। देखो मैंने पहले भी अपने विषय में कहा था कि कोई मेरा बढ़ चढ़ करके केवल दावे करने का बात नहीं है, सभी समस्याओं का समाधान प्रशासन के साथ मिलकर के विषयों को समझ के फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ जहां कोऑर्डिनेशन और आवश्यकता होगी उसके साथ करने की बात है। मेरे को 4 जून को जब ये अलवर की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है तब तो मैं उड़ीसा में था, उसके बाद मैं सीधा लौट करके अलवर आया और पहले दिन से ही प्रशासन से उन सब विषयों की पूरी जानकारी, तथ्य, अभी तक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्य के अवलोकन, कार्य की प्रगति क्या हुई है उसकी मैं समीक्षा कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते भी मैंने करी थी, आज भी मैं निश्चित रूप से करूँगा और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात करने के बाद सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर अलवर के हमारे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की टीम और सबके साथ मिलकर मैं कार्य करूँगा। पिछली बार आप आए तो जब सरिस्का में खुशखबरी आई, इस बार आप आए बारिश लेके आए, क्या सहयोग है या कुछ प्रयोग है? बाबा भर्तृहरि का आशीर्वाद है। अच्छा, महाराष्ट्र की रणनीति क्या रहेगी वहाँ पर? देखो पार्टी जो भी दायित्व देती है उसको लेकर के काम करना होता है। महाराष्ट्र में पार्टी की एक मजबूत टीम है, केंद्र में हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, उन सबसे निर्देशन लेकर के महाराष्ट्र की टीम के साथ सहयोग करके रणनीति बनाएंगे। अच्छा सर, राजस्थान सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की है और अब पुरुषों का लगातार विरोध आ रहा है राजस्थान में, आप कानून के जानकार हैं, आपको क्या लग रहा है इस तरह के नए अमिटमेंट से कुछ फायदा मिलेगा पार्टी? कमजोर वर्गों को आरक्षण में स्थान देना ये सरकार की एक अफर्मेटिव एक्शन होता है और हम तो आरक्षण को बचाने वाले लोगों में हैं।